इलॉन मस्क अब चूतिया है, पहले तो ठीक था. जोक नाउ फॉर अस ट्विटर इज अ जोक कंप्लीटली. लाइक वी डोंट बिलीव ट्विटर इज ब्लू टिक. अब मैं भी ले लूंगा कल, मेरे तो 700 फॉलोअर्स है, मैं भी 700 रुपए दे के ले लूंगा. उसको भी पैसे कमाने हैं, तो अगर उसे पैसे कमाने हैं तो रफली ही हैज टू डू समथिंग. ये सीधी सी बात है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, ठीक है, आज के टाइम पे तो हर एक चीज पैसे से ही खरीदी जा रही है. ब्लू टिक पैसा देकर मिलेगा आपको, सही है या गलत? मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ मतलब रहा ही नहीं गया. जो मतलब नीचे से ऊपर उठते हैं उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहा. अब जब तक पैसे नहीं आएंगे वो ब्लू टिक नहीं ले सकते. इट्स करेक्ट बिकॉज अगर आप यू नो पे करोगे देन ओनली यू गेट, अदरवाइज जो भी होता था ट्विटर पे किसी को भी मिल जाता था. आज की डेट में वैसे भी आपको रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी चीज़ वैलिड है, कौन सी चीज़ नहीं वैलिड है. तो मेरे ख्याल से तो होना चाहिए जिनके भी उसमें, मान के चले मैं ही कोई सेलिब्रिटी हूँ घर से, तो हाँ एक रिकग्नाइजेशन तो होनी चाहिए कि हाँ इसका अकाउंट है. एलॉन मस्क ने अभी ट्विटर खरीदा है $55 पर शेयर पे, रफली अराउंड $44 बिलियन. क्या होता अराउंड 36 लाख करोड़ या 3.5 लाख करोड़. तो क्या उसे 3.5 लाख करोड़ सिर्फ अपने ऐसे पब्लिक ले दे दिए? ऑफकोर्स नहीं, उसको भी पैसे कमाने हैं. तो अगर उसे पैसे कमाने हैं तो रफली ही हैज टू डू समथिंग व्हिच विल लीड द क्रिएटर्स टू गिव मनी टू द प्लेटफॉर्म. डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग मनी, दिस एज अ प्रिंसिपल इज रॉन्ग बिकॉज इट्स लाइक यू आर बाइंग क्रिएटिविटी विद मनी. का जो सिस्टम होता है, लाइक पहले ट्विटर पे न्यूज़ आती थी तो वी यूज़ टू बिलीव क्योंकि ब्लू टिक है तो किसी ने कंपनी ने डाली है. नाउ अब उनके चैनल्स बन रहे हैं, नाउ दे आर मोनेटाइजिंग इट, तो वी डोंट बिलीव द न्यूज़ वी सी ऑन ट्विटर्स. वी वोंट बी एबल टू जज दैट क्रिएटर, लाइक इफ ही हैज़ द ब्लू टिक, वेदर ही हैज़ बॉट दैट और जेन्युइनली ही हैज़ टैलेंट फॉर दैट. फ्रॉम माई परस्पेक्टिव शायद गलत ही है, क्योंकि यूनिकनेस नहीं रह जाएगी अब किसी के पास. अगर कोई स्टार है, आपका कोई आइडल है, उस पर ब्लू टिक है, तो हम उसको आइडलाइज करते हैं कि यार मतलब एक हमारे एक फैसिनेशन रहता है कि यार इस बंदे के पास ब्लू टिक है ना, हैव टू अचीव दैट थिंग. लोगों के अंदर एक मोटिवनेस, एक मोटिव रहता है, एक मोटिवेशनल चीज़ रहती है कि यार मेरे पास भी ब्लू टिक हो, मुझे भी वो अचीव करना है. अब शायद वो यूनिकनेस, वो जो मोटिवेशन है लोगों के अंदर, वो कहीं ना कहीं ठप पड़ जाएगा, क्योंकि अब कोई भी अब जो भी अगर नथु वगैरह जिसको बोलते हैं 700 रुपये दे के, शायद 700 आई थिंक. बिल्कुल गलत है यार, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कोई भी पैसा दे के कुछ भी ले लेगा. और जो ब्लू टिक तो तभी मिलता है ना जब इंसान ने मेहनत करके जो कमाया है तभी उसको मिलेगा ब्लू टिक. अब ऐसे तो कोई भी ले लेगा यार, मैं भी ले लूँगा कल, मेरे तो 700 फॉलोअर्स है, मैं भी 700 रुपये दे के ले लूँगा. जस्ट पेइंग मनी इट्स नॉट अ काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन विच यू टेक in which is available in other OTT and other platforms. I believe that Twitter has come up as a big tool where you can represent your thoughts. मुझे तो गलत ही लग रहा है, क्योंकि content creators का मुझे basically ये लगता है कि उनके लिए motivation ही ये होता है कि last में end stage उनकी blue tick है, तो उस motivation को चल के वो लोग बहुत content create करते हैं, तो वो उनका एक motivation जो है वो जा रहा है मुझे जैसा लग रहा है. और ब्लू टिक फिर अब ये बिकने लगा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. इट्स एक्चुअली रॉन्ग बिकॉज कमोडिटाइजिंग एवरीथिंग इज नॉट राइट. एंड इलॉन मस्क अब चूतिया है, पहले तो ठीक था. आई फील लाइक वेरीफाइड टिक एंड द ब्लू टिक थिंग इज एक्चुअली अ पर्सन व्हाट दे डिजर्व, एंड दिस थिंग लाइक रिमूविंग देम और लाइक चार्जिंग देम ओवर सम फॉर सम मनी और सब्सक्रिप्शन समथिंग लाइक दैट्स नॉट अ थिंग. दिस इज हाउ नॉट इट वर्क्स. लाइक आई फील लाइक This is not how it works. तो शायद जो अमीर बंदे हैं काफ़ी है ना, उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा वो चीज़, है ना, तो वो कहीं ना कहीं गलत यूज़ में आएगा मेरे हिसाब से. बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, शाहरुख खान, इन सबके नाम के आगे से ब्लू टिक हट गए. और जो छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने मेहनत करके ब्लू टिक कमाया, उनके नाम के आगे से भी हट गए. तो यह किस हद तक सही है? I don't think this is sahi because people who are actually working for it, content creators and all those people who are not, you know, at that sort of stage financially, it has been taken away from them. So it's not right. उनके लिए तो देखो अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके हैं, उनके पास पैसा भी आ चुका है, वो ले लेंगे उस चीज़ से भी, पैसे दे के भी ब्लू टिक ले सकते हैं. वो ऑलरेडी फेमस है, विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान, वो ऑलरेडी फेमस है, उनको ब्लू टिक की ज़रूरत ही नहीं है. ये सीधी सी बात है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, ठीक है, आज के टाइम पे तो हर एक चीज़ पैसे से ही खरीदी जा रही है. एलॉन मस्क अभी भी ये चीज़ कर रहा है कि उन्होंने ब्लू टिक हटाया सब, पर ब्लू टिक की तरह वो ऑरेंज टिक आए
मीन्स कमेंट मी नॉट, हो सकता है गलत हो, पर वो लोग अलग से एक टैग दे रहे हैं जहाँ पे जैसे पॉलिटिशियन, मैंने अभी बताया था तो रोनाल्डो 29 और 69 जो भी बनेगा उसके पास सिर्फ ब्लू टैग रहेगा जहाँ पे लिखा रहेगा कि वो $8 पे करके ट्विटर ब्लू लिया उसने, पर जो रियल रोनाल्डो होगा उसके पास एक टैग हो कि हाँ दिस इज़ अ पब्लिक फिगर, उसको मिला है। सो या इट्स जस्ट अ गिमिक राइट नाउ, एज अ टाइम पासिस ऑन ऑफकोर्स कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। आई डोंट थिंक इट्स फेयर, वो मैंने बोला ना कि उनको देख के बाकी लोग मोटिवेट हो रहे थे, यानी उन्होंने भी उस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी उनने मतलब काफ़ी मेहनत करी है उन्होंने, कोई ना कोई हर लाइक विराट कोहली, रोनाल्डो, वो हर उनके फैंस हैं, उनके उनको आइडलाइज करते हैं कितने लोग, और वो भी देखते हैं कि हाँ यार ये बंदा इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है तो हमें भी वो चीज़ हमारे अंदर भी आनी चाहिए। तो शाहरुख खान के पास ब्लू टिक नहीं है बट SR के फैन चैनल हैज़ अ ब्लू टिक, सो दैट इज़ That says for itself, I think. Agar like it's a joke now. For us, Twitter is a joke Twitter, completely. Like we don't believe Twitter's blue tick up. बिल्कुल गलत है. Like some way if they are getting their blue tick, they deserve them. They are worth of it. And besides this, this blue tick actually depends on that article or something, like the number of article you guys are they are getting published over them, their own image. So like they worth. तो उनके फेक अकाउंट्स बन सकते हैं, उनसे काफ़ी चीज़ें जो हमारे देश में भी काफ़ी, जैसे विराट कोहली का कोई फेक अकाउंट बन जाएगा तो काफ़ी चीज़ें गलत हो जाएंगी, है ना? गलत है, मुझे तो लगता है गलत है। अदरवाइज मतलब ट्विटर यूज़ करने के लिए जस्ट पैसे दे के ब्लू टिक लेना तो कोई भी ले लेगा ना, उसमें जो अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स हैं वो भी ले लेंगे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दिस इज़ बेसिकली आर पॉइंट इज, क्योंकि कोई भी आकर अब कुछ भी ले सकता है, एंड जो जिन्होंने क्रेडिबिलिटी वो गेन करी है उसकी, उनका तो वो वहाँ पर ब्लू टिक इज रिमूव्ड ओवर देयर, है ना, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट राइट। क्या ये सेम स्ट्रैटेजी बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लाई जानी चाहिए? आई गेस यूट्यूब पे तो ठीक है, एंड देन इंस्टाग्राम भी इज ऑल्सो ओके, कि अगर आप अपना टैलेंट दिखाते हो देन यू विल गेट दी ब्लू टिक। आई डोंट थिंक सो, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो चीज़ तो फिर हट जाएगी, वो सेम चीज़ है कि जो हम सोचते हैं जिनके बारे में, जिनको हम सोचते हैं कि यार हमें भी कभी ऐसा बनना है, वो फिर नहीं रह जाएगा, फिर हर कोई ले लेगा। हाँ, ये बाकी प्लेटफॉर्म में होना चाहिए, होना चाहिए, ये कहीं नहीं होना चाहिए, इवन ट्विटर पे भी नहीं होना चाहिए, जो भी किया है उन्होंने गलत किया है, नहीं होना चाहिए। नॉट एट ऑल, बिकॉज देन व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, आई मीन इट्स नॉट जस्ट अबाउट फॉलोवर्स, व्हेन पीपल गेट फॉलोवर्स इट्स नॉट जस्ट द क्वांटिटी 100 और क्वांटिटी 1000, इट्स अ सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन दैट सिंस आई एम पुटिंग अ कॉन्टेंट आउट देयर विच इज क्रिएटिव, विच इज फन, और विच इज बींग लाइक बाई पीपल, सो विद द फॉलोवर्स आई ऑल्सो गेन अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, so this is kind of washing that away, it's kind of taking that confidence, it's kind of taking that whole charm of it away. Money should not be driving any popularity, so yeah, same thing, like for example YouTube is not doing this right now, right? So it's perfect, believe like blue ticks, we believe the ticks content creator, जैसा चल रहा है आई थिंक वैसा सही है, जो ट्विटर पे हो रहा है वो गलत है, उसको भी वैसे ही करना चाहिए जैसे मेटा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चल रहा है, वैसे ही होना चाहिए। एलोन मस्क को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो जितनी मेहनत कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग ही रिवॉर्ड देने चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है हम इंडिया के ऊपर वैसे भी पहले से ही प्रेशर बनाना चाहता है, और वो हम पे ऐसा रहता है कि वो हमें आज भी एक वो हमारी इमेज ऐसी सोचता है कि ये हम लोग जो है आज भी वो बीन बजाने वाले हैं, तो इसलिए उस वो ठीक है, वो मुझे पता है मोनोपोली करना चाहता है कहीं ना कहीं, और आज की डेट में अगर से कोई बोलता है कि सबसे अगर से कोई पावरफुल है पूरे वर्ल्ड में तो वो एक मार्क जकरबर्ग और जो एलन मस्क है वही है दो बंदे जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है आज के टाइम पे। गधा आदमी है, उसके बस की नहीं है कुछ भी, वो बेमतलब की चीज़ें करता रहता है फालतू में, कभी बिल्ली लगाई थी अभी उसने, क्या सेंस है उसका? आई वुड से जो भी आपने बिजनेस स्ट्रेटजी के बेसिस पे डिसीजन लिया है उसको फिर से रीथिंक करें, थोड़ा सा एक पोलिंग इवेंट लें ऑल ओवर वर्ल्ड से ग्लोबल, लाइक जैसे पोल्स होते हैं, लोगों के भी वोट्स लें एंड उनके फीडबैक के बेसिस पे अपना स्ट्रेटेजी फिर से आप अपना इनोवेट करें। ही जस्ट नीड्स टू काम डाउन एंड थिंक वंस अगेन ऑन हिज लाइक वट एवर ही इज डन एंड वट एवर डिसीजन ही हैज मेड टिल नाउ, स्पेशली फॉर द ट्विटर थिंग, लाइक लेइंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल विदाउट एनी फकिंग थिंग, एंड
भाई सुधर जाए इलॉन मस्क लाइक फॉर रियल। वो वैसे भी मुझे लगता नहीं है फीडबैक्स कुछ लेते हैं, ठीक है मुझे लगता नहीं है वो फीडबैक्स लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर लेते हैं तो मेरा तो यही है कि जैसे था उसकी फिर भी कुछ ऑथेंटिसिटी थी ब्लू टिक की, कि हाँ सम सॉर्ट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस हैज़ बिन डन ऑन दिस अकाउंट। तो अब अगर पैसों से ब्लू टिक है तो उसकी कोई खत्म है, उसकी मतलब ऑथेंटिसिटी खत्म है। जो टिक मार्क वाला है वो आप वापस ले आओ बिकॉज वो दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। जो बेसिकली जो लोग ट्विटर देखते हैं ना, दैट इज़ द ओनली, मैं भी जो ट्विटर यूज़ करती हूँ मुझे मैं क्रेडिबिलिटी उसी हिसाब से रखती हूँ बिकॉज लोगों के टिक मार्क है और वहाँ पर आपको जेन्युइन न्यूज़ मिलेगी, है ना, जेन्युइन थिंग मिलेगी। अब अगर कोई भी एक्स वाई जेड अपना ब्लू टिक ले लेगा, यू कैन नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन, ठीक है, जेन्युइनिटी इज़ गॉन।